हेलीकॉप्टर है सर, आज हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पे आए हैं विधानसभा। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। सीएम नीतीश कुमार की हेलीकॉप्टर लेकर आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन विधानसभा पहुंचे हैं। आपको बताएं कि आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, ऐसे में सीएम नीतीश कुमार को घेरने के तमाम हथकंडे अपनाए जाएंगे। बात करें तो आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन का वो वीडियो इस वक्त सामने आया है जिसमें वो विधानसभा पहुंचे हैं और उनके पास एक खिलौना वाला हेलीकॉप्टर भी है जिससे शराब तस्करों को पकड़ने की बात मुकेश रोशन की तरफ से कही जा रही है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर मुकेश रोशन ने किस तरह से सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए इस हेलीकॉप्टर को दिखाया है। मोबाइल पर ये सारा मुंह में सटा दीजिए। अरे कैमरा एक मिनट, मुझे थोड़ा सा नीचे कीजिएगा। उसके बावजूद बिहार में शराब का अवैध कारोबार सत्ता के संरक्षण में हो रहा है और उसके लिए शराब को खोज करने के लिए बिहार सरकार हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रहा है। जहाँ एक तरफ एसटीटी के छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, दूसरी तरफ जो है आप देख रहे हैं कि बिहार के युवा जब रोजगार मांगते हैं तो नीतीश कुमार जी उस पर लाठीचार्ज करते हैं। ये हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए, हेलीकॉप्टर से शराब खोजा करने के लिए पैसा है इनके पास और बिहार के युवाओं को रोजगार देने के लिए नहीं है। दुर्भाग्य इस बिहार का हेलीकॉप्टर है शराब खोज करने के लिए आया। हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पे आए हैं विधानसभा में और क्या कुछ वजह है जानते हैं, हेलीकॉप्टर लेकर आने का क्या आशय है? तो सुना आपने कि मुकेश रोशन का साफ तौर से कहना है कि सीएम नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ हवा में बातें करते हैं, ना तो उन्होंने बिहार में विकास के कोई काम किए हैं और ना ही वो शराब तस्करों को पकड़ने में कामयाब हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम उनकी तरफ से किया जाता है। आपको बताएं कि आज से बिहार में बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, ऐसे में आज से लेकर 31 मार्च तक ये सत्र चलेगा जिसमें अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने कई ऐसे जो मुद्दे हैं वो तैयार किए हैं और सीएम नीतीश कुमार को घेरने के लिए जो हंगामा है वो भी सदन में देखने को मिलेगा। ऐसे में ये तस्वीरें सामने आई हैं जब विधानसभा में आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन पहुंचे और हेलीकॉप्टर दिखाते हुए उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर सवाल उठाए हैं, उन पर हमला बोला है। आपको बताएं कि सीएम नीतीश कुमार की तरफ से यह कहा गया है कि अब हेलीकॉप्टर के माध्यम से बिहार में शराब तस्करों को पकड़ा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी और शराबबंदी कानून को बिहार में सफल बनाया जाएगा। ऐसे में हेलीकॉप्टर का एक तरह से मजाक उड़ाया गया है आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन की तरफ से और यही वजह है कि खिलौना वाले हेलीकॉप्टर के साथ आज विधायक मुकेश रोशन विधानसभा पहुंचे हैं और जमकर सीएम नीतीश कुमार पर हमला भी बोल रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि जब पहले दिन इस तरह से हंगामेदार शुरुआत हुआ है तो आगे क्या कुछ विधानसभा से देखने को मिलता है। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।